नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र, आप सभी का स्वागत है हमारे ट्विक्स विला यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं मिल्किंग मशीन, क्योंकि इस मशीन के सहारे अब गाय भैंस का दूध आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि खटालों में हाथ से दूध निकालते हैं, उसमें समय लगता है। इस मशीन के सहारे आप समय का बचत कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम जानेंगे आगे का वीडियो में कि इस मशीन को कैसे असेंबल करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए अभी हम मशीन के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो इसका टैंक है स्टेनलेस स्टील है और इसका 12 लीटर का कैपेसिटी है। तभी हम मशीन को फिट करके दिखाएंगे कैसे फिट करते हैं। और ये मशीन कोई बिजली इसमें नहीं लगता है, मैनुअली इसको आप मशीन को काम में ले सकते हैं। और इस मशीन से 2 से 3 मिनट में आप एक गाय को दूध निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम मशीन को फिट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मशीन के जो फिटिंग करने का आइटम है, तो ये 4 चीज़ को हमें फिट करना पड़ेगा। ये जो आप हैंडल देख रहे हैं, यहाँ पे हम हैंडल फिट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये कंप्रेसर है जो जिससे आप वैक्यूम होता है। और ये जो देख रहे हैं मीटर है, मीटर को आप ध्यान में रखें कि 300 से 400 के बीच में रखें, तभी आपका मशीन प्रॉपर काम करेगा। चलिए अभी हम फिट करेंगे। तो पहले हम ये 4 चीज़ को फिट करेंगे जो दूध को सक्शन करता है। ये जो आप नॉब देख रहे हैं, वैक्यूम होने के बाद यहाँ पे ऑन ऑफ है, इसको हम ऑन करेंगे तो दूध को सक्शन करना मशीन स्टार्ट कर देगा। चलिए अभी हम हैंडल को फिट करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, ये हैंडल है हमारा और ये यहाँ पे फिट होगा। और ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे होगा। और ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक रबड़ का बूस लगा हुआ है, तो इसको हम जब पंपिंग करेंगे तो यहाँ पे आवाज़ ना करे, मेटल टकर करके इसके लिए दिया गया है। देख सकते हैं हमने लगा दिया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ढक्कन लगा हुआ है, इसको प्रॉपर इसके ऊपर हम टैंक के ऊपर बैठा देंगे। ये जो आप देख रहे हैं टांगने का जो रड है, इसको हमें इसके ऊपर चपा देना, इसलिए कि हमारा वैक्यूम लीक ना करे। तभी ये मशीन पूरा ही असेंबल करके रेडी है। अब हम इसे वर्किंग में काम में ले सकते हैं। हमने आपको पहले दिखाया कि इसमें क्या क्या फिटिंग करना होता है। और ये जो बहुत सारे आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप आपको फिटिंग ही मिलता है, मशीन के साथ आपको फिटिंग आएगा। पाइप में आपको कुछ फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होता। और जो आपको हमने ढक्कन दिखाया, इसको आप ध्यान में रख के ये जो ढक्कन है, इसे अच्छे तरह से टाइट कर लें, जो कि यहाँ से एयर लीक ना करे। और जो नोब हम आपको बताया, इसको ऑन ऑफ करना है, जैसे आपको वैक्यूम क्रिएट हो जाए पूरा टैंक के अंदर, इसके बाद इसे आप ऑन करेंगे तो दूध को सेक्शन चालू हो जाएगा। बहुत सारे कस्टमर को सवाल रहते हैं कि इस मशीन से अगर हम गाय को दूध निकालते हैं तो उससे ब्लड सेक्शन होता है या नहीं। तो इसमें आपको हम बता दें कि बहुत ही मशीन हैवी ड्यूटी मशीन है, मैनुअल मिल्क मशीन है, इससे आप आसानी से दूध निकाल सकते हैं। जो आपका सवाल है ब्लड निकालने का, इस मशीन से आपका ब्लड नहीं सेक्शन करता है। दोस्तों, आपके पास अगर खटाल हो या डेयरी फार्म हो तो ये मशीन आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ये मशीन पसंद है, मशीन खरीदना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप मशीन को लेकर आप इस मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाते हैं या मशीन को लेकर कोई सवाल हो, तो आप हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इस मशीन को प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इस मशीन का प्राइस आपको 8,000 से लेकर 10,000 तक मिल जाएगा। और हम इस मशीन को इंडिया का किसी भी कोने में 5 से 7 दिन में होम डिलीवर करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।